हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फाइलम एनिडा। सो जो फाइलम एनिडा है, ये फर्स्ट फाइलम है जो कि ट्रू सिलोम फाइल्स में, ट्रू सिलोम इसमें प्रेजेंट है। ये है सिलोमेड। इसके जस्ट पहले वाला जो एसके हेलमिंथिस था, वो था स्यूडो सिलोमेड, मीन्स उसमें फॉल्स सिलोम पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे ट्रू सिलोम पाया जाता है। और ये फर्स्ट ऐसा फाइलम है, फर्स्ट ऐसा फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। इसके पहले किसी में सेगमेंटेशन नहीं पाया गया था। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिडा, तो एनिडा का जो लैटिन वर्ड में मतलब होता है एनुलस, और एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। दे मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक में ये फ्रेश और मैराइन दोनों हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं एनलिट्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और हो सकते हैं पैरासिटिक भी। और जो फाइलम एनिडा है, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये कि जो कि फर्स्ट टाइम आया था एसके हेलमिंथिस में। और इनके पास होती है बायलेटरल सिमेट्री, ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनकी बॉडी होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हिरुडिनेरिया। इसका कॉमन नेम है लीच, जिसे हिंदी में कहते हैं जोक, और ये होता है सैंग्विवोरस। स्वेंगी वोरस मींस ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं, सकिंग एनिमल। जो हिरुडिनेरिया है, इसकी बॉडी होती है सेगमेंटेड, जैसे कि आपको ऑलरेडी इमेज में दिख रहा है। ये वाला पोर्शन होता है एंटीरियर, जहां पर प्रेजेंट होता है माउथ। इसलिए इनके पास जो सकर है यहाँ पे, वो कहलाता है एंटीरियर सकर। और ये होता है पोस्टीरियर पार्ट, ये होता है पोस्टीरियर। सीरियर के पास जो सकर होता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर सकर। एंटीरियर के पास प्रेजेंट होता है माउथ, और पोस्टीरियर के पास प्रेजेंट होता है एनस। है सेगमेंटल रिसेप्टर ऑर्गन्स, और ये वाला है मेल जेनिटल पोर, और ये वाला डॉट फीमेल जेनिटल पोर। और जो इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड, तो सेगमेंट कहिए या फिर कहिए मेटामर्स, एक ही चीज है। ये है डायग्राम ऑफ नेरेइस। और जो नेरेइस होते हैं, ये होते हैं एक्वेटिक फॉर्म, ये है एक्वेटिक फॉर्म, और ये होते हैं डायोशियस। लीच होते हैं मोनोइशियस। लीच हो गए और अर्थ वॉर्म, दोनों होते हैं मोनोइशियस। नाउ जो नेरेइस में जो ये प्रेजेंट है लेटरल अपेंडेजेस, जो ये लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है ऐसे ऐसे, ये इनको कहते हैं पैरापोडिया। तो ये है पैरापोडिया, और पैरापोडिया के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं सीटा, जो कि इन केस ऑफ नेरेइस। ये है टेंटिकल्स, पल्प टेंटिकल्स, और यहाँ पे ये, और ये है पल्प्स, और ये है आईज, ये है प्रोस्टोमियम। और जो नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे कहते हैं एनल्स, ये एनल सेगमेंट्स हैं, एनल सेगमेंट्स हैं, और ये है एनल सेराई, एनल सेराई। फाइलम एनिडा, ये होते हैं फर्स्ट सिलोमेट है, मींस यहाँ पे ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, और इनकी बॉडी डिस्टिंक्टली मार्क्ड है आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। चार सेगमेंट के ये मेटामर्स दोनों सेम है, और हेंस इसे कहा जाता है फाइलम एनिडा, कि इनके पास मेटामर्स सेगमेंट्स प्रेजेंट है। और इनके पास यहाँ पे मसल्स भी आ गई हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल, जो कि हेल्प करती है लोकोमोशन में एनिडा को। एक्वेटिक एनलेट्स में आते हैं नेरेइस, पॉजेस लेटरल अपेंडेजेस, जिसे कहते हैं पैरापोडिया, जो कि हेल्प करता है स्विमिंग में, और ये रिस्पायर करते हैं थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन के लिए अभी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। और यहाँ पे होता है क्लोज सेक्रेटरी सिस्टम, मीन्स यहाँ पे सेक्रेटरी सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप्ड है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है फॉर एक्सक्रीशन, मीन्स ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड विद लेटरल नर्व्स ऑफ ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है पेयर्ड गैंग्लिया से, जो कनेक्टेड है लेटरल नर्व से। और यहाँ पे बॉडी, इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि रेड कलर का होता है। रिजनरेशन
एनलिट्स अब बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि यहाँ पर रिजनरेशन होता है। सीटी हेल्प्स इन मूवमेंट, तो आपने दिखाया हमने कि ऑलरेडी कि पैरापोडिया के ऊपर सीटा प्रेजेंट है जो कि प्रेजेंट होता है नरेस में। मोस्ट ऑफ द एनलिट्स आर हर्मफ्रोडाइट, मीन इसमें कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, उसे कहते हैं हर्मफ्रोडाइट। नरेस है, एक्वेटिक है, डायोशियस है, बट अर्थवर्म जो है अर्थवर्म में लीज आर मोनोशियस और दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, लेकिन जो अदर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनलिडा, तो यहाँ फाइलम को चार क्लास में डिवाइड किया गया है, पॉलीकीटा, ऑर्गोकीटा, यूडिनिया एंड आर्कियनलिडा। सो पॉलीकीटा के एग्जाम्पल है नेरेइस, ऑर्गोकीटा का फेरेटिमा एंड ट्यूबिफेक्स, फेरेटिमा कहा जाता है अर्थवर्म को, ये काम करते हैं डिकम्पोजर का, अनु कहा जाता है फॉर्मर्स फ्रेंड, फॉर्मर्स फ्रेंड क्योंकि सॉइल को फर्टाइल करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। हिरुडिनेरिया जो कि एग्जांपल है हिरुडिनिया का, और ये करता है सिक्रेटिक एंजाइम हिरुडिन। नाउ आर्कियनलिडा, इसमें एग्जांपल है डायनोफिलस एंड प्रोटोडिलस। एग्जांपल ऑफ फाइलम एनलिडा, इसमें नेरेइस एग्जांपल है फेरेटिमा मींस अर्थवर्म, हिरुडिनिया लीच। सो ये तीन एग्जांपल्स हैं फाइलम एनलिडा के। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रही हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।